नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसेमर प्रोसेस के बारे में। उससे पहले यह जान लेते हैं कि बेसेमर प्रोसेस से पहले स्टील का प्रोडक्शन कैसे होता था। स्टील का प्रोडक्शन रोट आयरन से किया जाता था सीमेंटेशन प्रोसेस के साथ, जो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस थी उस ज़माने की। उसके बाद बेसेमर प्रोसेस ईजाद हुई, जिसकी खोज का श्रेय इंग्लिश मैन सर हेनरी बेसेमर को जाता है। इन्होंने इसका जिक्र वर्ष 1890 में लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया। उन्होंने जनवरी 1855 में तोप बनाने के लिए स्टील बनाने का काम शुरू किया। अक्टूबर 1855 में इन्होंने इस प्रोसेस के लिए पेटेंट को अप्लाई किया और वर्ष 1856 में इनको पेटेंट की अप्रूवल मिली। लेकिन जो बेसेमर प्रोसेस है, यह दुनिया की पहली ऐसी प्रोसेस थी जिसमें स्टील के मास प्रोडक्शन में काफ़ी फ़ायदा हुआ और यह इनएक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल प्रोसेस रही। थोड़ा हम जान लेते हैं हेनरी बेसेमर के बारे में। इन्हीं के नाम पर ही इस प्रोसेस का नाम बेसेमर प्रोसेस रखा गया और हेनरी बेसेमर को स्टील इंडस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। और इनका जन्म 19 जनवरी 1813 को इंग्लैंड में हुआ था और इन्होंने स्कूली शिक्षा ज़्यादा ग्रहण नहीं की। पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण और अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाने के लिए इन्होंने जल्दी ही स्कूल को छोड़ दिया था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खुद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और अब अगर बात करें, इनके नाम पर 129 पेटेंट हैं और सबसे ज़्यादा ये विख्यात हुए जब इन्होंने स्टील प्रोडक्शन के लिए इनएक्सपेंसिव प्रोसेस को बनाया और इन्हीं के नाम पर इस प्रोसेस का नाम बेसेमर प्रोसेस पड़ा। तो बेसेमर प्रोसेस काफ़ी इनएक्सपेंसिव प्रोसेस थी उस ज़माने की और उस ज़माने में स्टील का प्रोडक्शन कम होने की वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। लेकिन इस प्रोसेस के आने के बाद स्टील का मास प्रोडक्शन बढ़ गया और इस प्रोसेस में पिग आयरन से स्टील की प्रोडक्शन की जाने लगी। लेकिन ओपन हर्थ फर्नेस की डेवलपमेंट से पहले तक बेसेमर प्रोसेस इनएक्सपेंसिव प्रोसेस थी और इस प्रोसेस का जो प्रिंसिपल था वह था हवा की मदद से आयरन पर ऑक्सीडेशन करके इम्प्योरिटीज़ को अलग करना। और ऑक्सीडेशन से पिग आयरन का तापमान बढ़ जाता था, जिससे मोल्टन मेटल में हमें पिघला हुआ पिग आयरन से स्टील की प्रोडक्शन होती थी। और यह प्रोसेस मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है, एक है एसिड बेसेमर प्रोसेस और दूसरी है बेसिक बेसेमर प्रोसेस। जो बेसिक बेसेमर प्रोसेस है, इसके इन्वेंटर भी इंग्लिश मैन ही हैं, पारसी गिलक्रिस्ट और सिडनी गिलक्रिस्ट थॉमस, और उन्हीं के नाम पर उस प्रोसेस को गिलक्रिस्ट थॉमस प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस में कैसे काम होता है। इस प्रोसेस में एक वेसल होता है जिसको हेनरी बेसेमर के नाम पर ही बेसेमर कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इस वेसल का डायामीटर 3 मीटर होता है और इसकी हाइट 7 मीटर तक होती है और यह एक समय में 5 से 30 टन तक मोल्टन मेटल को होल्ड कर सकता है। और इस कन्वर्टर को एक सेंट्रल एक्सिस पर सपोर्ट करते हैं, जिसके अनुसार यह घूम सकता है, कह सकते हैं कि टिल्ट कर सकता है, जैसा हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। यह टिल्ट हुआ है और यहाँ से मोल्टन पिग आयरन को इसमें डाला जा रहा है। उसके बाद जब पिग आयरन को कन्वर्टर में डाला जाता है, उसे हम चार्जिंग कहते हैं। और जब स्टील बन जाता है, फिर इसको एम्प्टी किया जाता है। तो सबसे पहले इसको चार्ज किया जाता है। पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस से मोल्टन स्टेट में बेसेमर कन्वर्टर में डाला जाता है। और इस कन्वर्टर में जो लाइनिंग होती है, जो साइड की जो लाइनिंग होती है, वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बनी होती है और रिफ्रैक्टरी मटेरियल के आधार पर ही इसका क्लासिफिकेशन होता है। अगर एसिड बेसेमर प्रोसेस है, उस समय में जो लाइनिंग होती है वह सिलिका ब्रिक्स की होती है। लेकिन एसिड बेसेमर प्रोसेस में उसी रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है जिसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, क्योंकि एसिड बेसेमर प्रोसेस में फास्फोरस और सल्फर रिमूव नहीं होता। उसके बाद अगर ये जो लाइनिंग है फायर क्ले लाइनिंग,
अगर यह डोलामाइट की हो तो उस प्रोसेस को बेसिक बेसेमर प्रोसेस कहते हैं। डोलामाइट बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की डिटेल में। सबसे पहले कन्वर्टर में पिग आयरन को डाला जाता है टिल्ट करके, फिर इस कन्वर्टर को सीधा कर लिया जाता है और फिर यहाँ पर एयर ब्लास्ट करते हैं। जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ नीचे एयर चैम्बर लगा है, एयर चैम्बर में नोजल लगी हुई हैं और यहाँ से हॉट एयर एंटर करती है और वो हॉट एयर यहाँ फिर एयर चैम्बर से होती हुई नोजल के थ्रू इस कन्वर्टर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हमने कन्वर्टर में मोल्टन पिग आयरन को डाल रखा है। एयर ब्लास्ट के बाद क्या होता है कि यहाँ जो एयर ब्लास्ट करते हैं उसका प्रेशर 200 से 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के बीच में रहता है और जो एयर में मौजूद ऑक्सीजन मोल्टन पिग आयरन में मिल जाती है, जिससे आयरन ऑक्साइड बनता है, मतलब कि फेरस ऑक्साइड, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है जिससे हीट भी जनरेट होती है और इस टाइम पर जो तापमान है वो 1250 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और इस स्थिति में 3 से 4 मिनट तक रुकना पड़ता है और इस प्रोसेस को इस पहली स्टेज कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि स्लैग फॉर्मेशन पीरियड इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेज, दूसरी स्टेज को ब्रिलियंट फ्लेम ब्लोइंग पीरियड कहते हैं, क्योंकि जो पहली स्टेज में हाई टेम्परेचर था वह टेम्परेचर रहता है और यहाँ पर कार्बन की जो बर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है ऑक्साइड के फॉर्म में और साथ में आयरन में मौजूद सिलिका और मैंगनीज का भी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर एसिड बेशेमर प्रोसेस है उसमें क्या होता है। उसमें मैंगनीज और ऑक्सीजन मिलकर मैंगनीज ऑक्साइड बनाते हैं और ऐसे ही जो सिलिकॉन है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सिलिका की प्रोडक्शन होती है। फिर जब ये दोनों आपस में मिलते हैं फिर मैंगनीज सिलिकेट बनता है जो एक स्लैग होता है और इस स्लैग को बाद में रिमूव कर लिया जाता है और या फिर ये गैस की फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। अगर प्रोसेस हमारी बेसिक बेसेमर प्रोसेस है उस समय क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है तो हवा से ऑक्सीजन और पिग आयरन से फास्फोरस रिएक्ट करते हैं जिससे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। उसके बाद जो डोलामाइट जो एक मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, वहाँ से जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फास्फेट बनाता है जो एक स्लैग है और मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम फास्फेट बनाता है जो भी एक स्लैग है। या तो ये स्लैग की फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं अदरवाइज़ ये गैस की फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों प्रोसेस में काम होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है वह नीली फ्लेम के साथ जलता है और लगभग 8 से 12 मिनट तक यह प्रोसेस चलती रहती है अगर कार्बन को एलिमिनेट करने के लिए। तो यह दूसरी स्टेज में होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनती है ऑक्सीजन के साथ कार्बन रिएक्ट करती है तो वह नीली फ्लेम के साथ जलता है। जब तीसरी स्टेज आती है, तीसरी स्टेज में क्या होता है कि जो फ्लेम होती है वह फ्लेम छोटी हो जाती है और उसका रंग नीले से डीप ब्राउन कलर में बदल जाता है और फ्लेम के रंग बदलने से यह मालूम हो जाता है कि पिग आयरन में मौजूद कार्बन पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई है और तीसरी स्टेज भी 2 से 3 मिनट तक चलती है। तो इस प्रकार बेसेमर प्रोसेस में कार्य होता है और यह भी कह सकते हैं कि जो पिग आयरन की जो इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे सिलिकॉन मैंगनीज या फिर कार्बन जो का इनके रूप में मौजूद होती हैं वह या तो गैस के रूप में या फिर स्लैग के रूप में अलग हो जाती हैं, जैसा इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो स्लैग फॉर्मेशन हुआ है। और जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कन्वर्टर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टर्न किया जाता है और मोल्टन पिग आयरन में कुछ फेरोमैंगनीज या फेरोसिलिकॉन या एल्यूमिनियम को ऐड किया जाता है जो डीऑक्सीडाइजर का काम करते हैं और जिससे मेटल की ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और मैंगनीज व सिलिकॉन की मात्रा को भी आवश्यकता अनुसार कम किया जाता है।
उसके बाद आखिर में क्या होता है कि जब हमारा स्टील पूरी तरह से तैयार हो जाता है, उसको फिर से कन्वर्टर को टिल्ट किया जाता है और मोल्टन स्टील को लैडल की मदद से ले जाया जाता है। और लैडल की मदद से जब इसको ले जाया जाता है तो उसके बाद इस लैडल से इस मोल्टन स्टील को मोल्ड में डाला जाता है ताकि स्टील की जो कास्टिंग हमें चाहिए वह कास्टिंग हमें मिल सके। तो इस प्रकार इस प्रोसेस में काम होता है। बेसेमर प्रोसेस के कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे कि जो बेसेमर प्रोसेस है इससे हम अलग अलग ग्रेड के स्टील को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस पूरी प्रोसेस का जो रिफाइनिंग टाइम है वह 10 से 20 मिनट है और इसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वह भी कम है और इस पूरी प्रोसेस में जो मेंटेनेंस सिस्टम है वह भी काफ़ी आसान है। लेकिन इसके बावजूद इस प्रोसेस की कुछ खामियां भी हैं, जैसे इसमें हमें डिफरेंट टाइप के ग्रेड तो मिलते हैं स्टील के, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है स्टील की, जो स्टील हमें ओपन हर्थ प्रोसेस में मिलता है उसकी क्वालिटी से कम होते हैं। और दूसरा कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी कम है, 20 मिनट के आसपास है। तो इतने कम टाइम पीरियड में और इतनी रैपिड प्रोसेस में जो डिफरेंट ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है और इस प्रोसेस से मिलने वाले स्टील की जो स्ट्रक्चर है वह नॉन होमोजेनियस होती है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया बेसेमर प्रोसेस के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।